नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। सीएम अपने संबोधन में कई बार कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, ताकि साल 2025 तक उत्तराखंड सर्वोच्च राज्य बन सके। इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन ने सीएम का स्वागत किया और सीएम को कार्य की जानकारी दी। सीएम ने कॉलेज परिसर का निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद अधिकारियों और प्रशासन को कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रदेश में जगह जगह जिलों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां पर निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों को ये आदेश दिए कि वो जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूर्ण कराएं, ताकि बच्चों को आसानी हो। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 दिसंबर को एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन जुट गया है। डीएम नैनीताल, एसएसपी समेत भाजपा के प्रदेश महामंत्री और अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सभा स्थल को प्रशासन और पुलिस ने बारीकी से देखा, ताकि जनसभा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या सामने न आ पाए। क्या कार्यक्रम रहेगा अभी? ये 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो दौरा है, उसके लिए कार्यक्रम स्थल जो है एमबी इंटर कॉलेज का जो प्रांगण है, जहाँ पे हमेशा से कार्यक्रम होते आए हैं, तो वो स्थल अभी चयनित हुआ, फाइनल हुआ है। और 30 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो उसमें कुमाऊं मंडल की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उनका शिलान्यास होगा, उनका लोकार्पण होगा। तो आज हमारी टीम वहाँ पर विजिट करके आ गई है, और हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या क्या एहतियात हम लोग को बरतते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हो या फिर टावर्स हो, उनको कैसे हटाना है। तो कुल मिला के हमारी ओर से अब लगभग तैयारी यहाँ पे शुरू हो गई है। सर, अगर बात करें प्रधानमंत्री का दौरा है, तो कितनी सीटिंग कैपेसिटी उसकी बनाई जा रही है यहाँ पर? अब जितना मैक्सिमम हमारा हो सकता है हम लोग उसमें बनाएंगे, और जितना मैदान को खोला जा सकता है उसको खोल लें। सर, लक्ष्य क्या रखा गया, 50,000 या 1,00,000 की यहाँ पर? अब इसमें तो देखिए, अब डिपेंड करता है जिस हिसाब से कैपेसिटी है और आसपास का जितना एरिया है, तो उस हिसाब से जो असेसमेंट होगा बाद में, जिस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अब जो प्लानिंग होनी है उसमें इन चीज़ों का तो ध्यान रखना है, नहीं कि हम लोग को पूरा खोल के रखना है, लेकिन सिक्योरिटी के मानकों को देखते हुए वो पूरी तैयारी हमारी चल रही है। तैयारियां चल रही हैं, और आप लोग संगठन किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं? 30 दिसंबर को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी के अंदर आ रहे। कुमाऊं का द्वार कहा जाने वाला यह हल्द्वानी शहर उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने लगातार प्रयास हमने प्रारंभ कर दिए। मोदी जी की इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि अब ये जनसभा शहर में ही होनी है, तो हल्द्वानी शहर के शहरवासी मोदी जी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि उत्तराखंड में पंजीकृत बेरोजगारों की वार्षिक वृद्धि दर काफी ज्यादा है, और हमारा राज्य सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार से बीजेपी ने बजट अच्छा बनाया था, लेकिन बजट का 20% हिस्सा भी खर्च नहीं किया। 2017 में जब हमारे राज्य की में
पंजीकृत बेरोजगारों की वार्षिक वृद्धि दर 1.5% के आसपास थी। आज वो कभी 33% तक पहुंच जा रही है, कभी फिर घट रही है तो 23% के आसपास आ रही है, और आज भी हम देश के अंदर सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी की प्रतिशत दर वाले राज्य हैं। के लिए सरकारी धन जो स्वीकृत हुआ है उसमें सरकार कोई घोटाला कर सके, हालांकि सरकार की नीयत घोटाला करने की थी, लेकिन सजग विपक्ष के चलते सरकार इसमें उस घोटाला करने की। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे हजार, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच रावत के सलाहकार सुरिंदर अग्रवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में लाने में उनका बड़ा भारी योगदान है, और सबसे बड़ी बात, सारा उत्तराखंड हरदा के संग, सबकी चाहत हरीश रावत। जब कार्यकर्ता में जनता में ये धारणा हो कि हमारे सबके नेता हरीश रावत हों, ऐसे अवसर पर यदि राहुल जी जो हम सबके नेता हैं उनकी रैली में हरीश रावत जी के पोस्टर होल्डिंग हटाए जाते हों, यदि मंच से राज्य आंदोलनकारियों को मंच से उतारा जाता हो, और वो भी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में, जो कि हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी जी का बहुत सम्मान करते हैं, और प्रभारी कोई भी पार्टी के प्रभारी होते हैं, उनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करना। यदि प्रभारी महोदय ही किसी ऐसी साजिश का हिस्सा हो जाए जिसमें कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न की जाती हो, हरीश रावत जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार का रास्ता रोका जाता हो, तो निश्चित रूप से प्रभारी जी की भूमिका भी संदेह में है, प्रभारी जी के संज्ञान में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सदन में उनके 11 विधायक रहे हैं और 10 गुट रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी आपस में ही उलझी हुई है, अलग अलग गुट अलग अलग सियासत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कोई भी गुट एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में जिस तरह से ट्वीट आया है उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। कौशिक का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से विजय हासिल करेगी, कांग्रेस पार्टी इसी तरह से अलग अलग गुटों में बटी रहेगी।
साल से यही कह रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला हमें क्या लेना देना, लेकिन 5 साल से विधानसभा में 11 विधायक है, 10 ग्रुप है। विधानसभा के बाहर विपक्ष का जनादेश होता है, जनता की आवाज उठाना वहां नजारद है। 5 साल से एक विपक्ष के तौर पर राज्य के अंदर कांग्रेस की भूमिका नगण्य रही है, केवल लड़ाई रही है। नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन बनेगा, जनता से लेना देना नहीं है। आज जो स्थिति कांग्रेस के बड़े नेता ने कही है, ये स्थिति कांग्रेस के धरातल पर है। जनता के प्रति ना कोई जनता का उनके प्रति विश्वास है, और अब विश्वास होने वाली स्थिति से बची भी नहीं है। इसलिए हमने कहा 2017 से बड़ी विजय की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। कांग्रेसियों की मैंने कहा ना, सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष इंदिराजी थी, उनकी कोई सुनता नहीं था। बाहर देखते थे प्रीतम भाई की कोई नहीं सुनता था, अध्यक्ष जी थे। आज स्थिति वही हो गई है पूरी की पूरी, कि कोई सुनता एक दूसरे की नहीं है। इसलिए वो तो खैर उनका मामला है, उस पर मुझे रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है ना मैं दूं। मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह फेल है, विफल रही है, और आज चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जनता के विश्वास के लिए आशीर्वाद के लिए जा रही है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने हेतु स्थानीय गढ़वाली भाषा में जनपद वासियों के नाम जारी संदेश में सभी जनपद वासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। नमस्ते, प्रणाम। मी डॉक्टर आर राजेश कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून। आप लोगों ते कुछ बोल चालू छे, जन की आप ते पता छे कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालो छे, और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी छे कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील छे कि ए बार सभी लोग घर बैठे निकल कर वोट जरूर देना। देहरादून जिले ते टॉप वालू जिला बना के भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि रैली के माध्यम से 5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और रैली को बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी समर्थन मिला। भाजपा के द्वारा किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों से जनता दोबारा भाजपा को 2022 में पुनः सत्ता में काबिज करेगी। देखो, हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं सांगठनिक, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हम विजय संकल्प यात्रा करके हमने पूरे प्रदेश में निकाली है। गढ़वाल की हरिद्वार से और कुमायूं की परसों 19 से हमने बागेश्वर से प्रारंभ करी। कल आज सायं अल्मोड़ा जनपद में प्रवेश कर जाएगी, आज रात को डोल में विश्राम, कल सुबह लमगड़ा से बैठक, और उसके बाद फिर अल्मोड़ा में उसका यहाँ आगमन है। हम सब लोग उसकी तैयारी करने लगे हैं। बहुत ऐतिहासिक रूप में यात्रा का स्वागत होगा और भव्य स्वागत होगा। सारे कार्यकर्ता लगे हैं, सुबह से हम सब लोग भी घूम फिर कर उसी सब तैयारी में हैं। अभी भी एक उसी बैठक में जा रहा हूं, और सबसे पहले ये है कि हम यहां की जनता का आशीर्वाद, जो काम हमने संगठन के रूप में, सरकार के रूप में 5 वर्षों में किए हैं, और उन कामों को जनता के आशीर्वाद के रूप में हम लेंगे। हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें भरोसा। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। पंजाब सरकार ने पिंडा आते शहरां दी लाल लकीर दे अंदर बने घरां विच रहण वाले लोकां नूं मालकी हक देण लई मेरा घर मेरे नाम स्कीम दी शुरुआत कीती है, जो कि एक वड्डा फैसला है। इस स्कीम नूं लैके मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ए स्कीम सारे लोकां लई, खास करके लोड़वंद अते पिछड़े वर्ग लई वधेरे लाभदायक साबित हो रही है। वैसी स्कीम लेके आए
कि मेरा घर मेरे नाम, जिन्हें पिंडां दे विच लाल लैन दे अंदर घर है सारे थोड़े अपने नाम कर देने हैं। मेरा घर मेरे नाम लाल लैन दे अंदर दे जिन्हें मकान है उन्होंने ड्रोन दे नाल नक्शे बना के जिथे जिथे तुसी काबज हो वो कब्जे के आधार से असी थोड़े नाम से रजिस्ट्रियां करनिया शुरू करते हैं। कोई पैसा थोड़ा नहीं लगना, सारा सरकार वालों थोनू सनदा बना के असी देनी है। दरअसल ये स्कीम पहला सिर्फ पिंडां विच रहण वाले लोगों लई ही शुरू की गई सी, पर हुण इस स्कीम नूं लाल लकीर खेत्र विच पैंदे शहरां दे योग वसनीकां तक वधाया गया है। इस तों इलावा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुराने मुहल्लिया विच लंबे समय तो बने घरां विच रह रहे लोगों नूं भी इस स्कीम तहत शामिल करके इस दा लाभ दिता जा रहा है। ते बसेरा नां दी इक होर स्कीम दे तहत लाल लकीर तों बाहर झुग्गी झोंपड़ी वाले खेतरां विच रहिंदे लोगों नूं भी मालकी हक दिते जा रहे ने। पंजाब दे विच बसेरा स्कीम लेके आंदी है जिदे तहत जिन्नियां पुरानियां बस्तियां चाहे कोई बगाला बस्ती बनी हुई है चाहे कोई होर बस्ती बनी हुई है सलाम एरिए है सारिआं नूं उहनां दी जमीन असीं दे रहे हैं। इस स्कीम असीं लेके आए हैं। जिक्रयोग है कि मुख्यमंत्री खुद भी कई बार अपने संघर्ष दे दिनां दी चर्चा कर चुके ने ते इसे दा नतीजा है कि वह गरीब ते बेसहारा लोगों की मदद लई हमेशा तत्पर रहिंदे ने। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह ने डाक पत्थर में संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण से पहले भूमि पूजन किया। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। चिकित्सालय के भूमि पूजन से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल था। डाक पत्थर क्षेत्र में लंबे समय से अच्छे हॉस्पिटल की मांग क्षेत्रवासी कर रहे थे। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण डाक पत्थर में अच्छे हॉस्पिटल की सख्त आवश्यकता थी। वहीं हॉस्पिटल की सौगात मिलने पर क्षेत्रवासियों ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया। एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के जो नौजवान युवा मुख्यमंत्री है उन्होंने मुझे इस बात के लिए टारगेट दिया है कि हमें प्रदेश में कुछ विधानसभाओं को मॉडल विधानसभाओं के रूप में विकसित करना है और 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 वर्षों का होगा तो पुष्कर सिंह धामी जी ने लक्ष्य तय किया है कि उत्तराखंड राज्य को हमने देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। तो नौजवान मुख्यमंत्री, उत्साही मुख्यमंत्री जिनका कि विजन है, दृष्टिकोण है, उनके उस विजन को आगे बढ़ाते हुए केंद्र के सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले यशस्वी प्रधानमंत्री। ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अमेरिका से उन विमान से देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश पहुंचे जिनमें कई ओमिक्रॉन संक्रमित यात्रियों ने सफर किया है। फिलहाल ऐसे युवकों को चिन्हित करने के साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल सिंह गौतम काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और आम जनमानस को वही सब सुविधाएं मिलेंगी जो केजरीवाल ने उत्तराखंड में घोषणा की है। वहीं इस मौके पर यूनुस चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए हैं उनको निभाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। वो जो पिछले 20 सालों में बारी बारी से सरकारें बनाते रहे, कभी लोगों की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, कभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे नहीं पूरे किए। मैं तो उत्तराखंड के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप बीजेपी का घोषणा पत्र निकाल लो पिछले 20 सालों का और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र निकाल लो और साथ में आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली का घोषणा पत्र निकाल लो।
और उसके बाद तीनों घोषणा पत्र में और तीनों की जो सरकारें हैं उनको कंपेरेटिव स्टडी करो और देखो कि कौन सी ऐसी सरकार रही है जिसने ईमानदारी से जनता के साथ किए हुए वायदों को पूरा किया है, और जिसने पूरा किया उसको चुन लेना। अगर आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ चुनाव से पहले किए हुए वायदों को पूरा किया हो तो आम आदमी पार्टी को चुन लेना, और अगर बीजेपी या कांग्रेस ने अपने वायदों को पूरा किया हो तो उनको चुन लेना। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों के धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा कि किसानों का धान का बकाया भुगतान करने के लिए आश्वासन सरकार ने दिया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पूर्व समाप्त हो चुका है, फिर भी आज किसानों की धान की फसल का बकाया भुगतान नहीं हुआ है, जिस वजह से किसानों का काफी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। दो हजार सत्रह में बीजेपी की सरकार आई, आते इन्होंने चीनी मिल बंद कर दी। आज जब इनकी सरकार जा रही है तो जाते हुए ये अपनी सरकार को बचाने के लिए वोट पाने की खातिर जल्दबाजी में इन्होंने चीनी मिल को चलाने का काम किया, और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपया खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है, और रोज़ चीनी मिल बंद हो जाती है, एक आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हम आज यहाँ पे SDM साहब के द्वारा हमने मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी भेजी है, ज्ञापन भेजा है कि अविलंब किसानों का गन्ना विगत वर्ष की भांति किच्छा वाली चीनी मिल को, बाजपुर चीनी मिल को, भेड़ी चीनी मिल को डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। चार चार पाँच पाँच दिन किसान वहाँ पे पड़े हुए हैं, उनका गन्ने की ट्राली उतरी नहीं है। मुद्दा हमारा जो है, सरकार ने कहा था, इस बीजेपी सरकार ने कहा था, इस मैं क्या कहूँ, इस सरकार ने कहा था कि 48 घंटे के अंदर पेमेंट हम किसान के खाते में डाल देंगे, 48 घंटे में 24 घंटे में 48 घंटे में। आज धान तुले हुए 2 महीने हो गए लोगों के, अभी तक पेमेंट खाते में पड़ी नहीं है। हमने वो भी मांग करी है कि तुरंत किसानों के धान का बकाया भुगतान तुरंत उनके खाते में डाला जाए, जिससे कि पहले से ही लुटा हुआ पिटा हुआ किसान और बर्बाद ना हो सके, उसको और बर्बादी से बचाया जा सके। अगर ये अल्टीमेटम हमने दिया है 24 घंटे में अगर नहीं गन्ना डाइवर्ट करते हैं ये लोग तो हम अनिश्चितकालीन धरने। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सरकार द्वारा किसानों को धान की पेमेंट नहीं किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने सरकार पर किसानों का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। वहीं किसानों ने नगर में पैदल मार्च करते हुए SDM कार्यालय में SDM राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में पेमेंट नहीं कराए जाने पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। हम ये है कि खाद्य मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने वायदा करा था कि आज ही पोर्टल खोल देते हैं। उन्होंने फोन भी कर दिया अधिकारियों को कि पोर्टल खोल दो, 25,000 क्विंटल का पोर्टल खोल दो आज ही, मगर आज 10 दिन हो गए कोई पोर्टल नहीं खोला। उधर गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, इधर दानों का पेमेंट है। झूठी सरकार कह रही थी कि 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाएगा, 3 महीने तक पेमेंट नहीं किसानों को आ रहा। पहले आपदा ने मार दिया, अब हमें सरकार ने मार दिया है। आगे की रणनीति, पाकिस्तान किराए पे 2 दिन के बाद चक्का जाम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि हम ऐसे जैसे वहां बॉर्डर पे हुआ ना, ऐसे बॉर्डर बनाएंगे यहां पर। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।